नमस्कार, मैं दिशा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मीडिया दबा एंटरटेनमेंट चैनल में। रजनीकांत के फैंस के लिए एक खुशखबरी है तो साथ ही उनके लिए चिंता वाली खबर भी सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि रजनीकांत की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अनाथे। मगर वही चिंताजनक खबर यह है कि रजनीकांत की है आने वाली फिल्म की शूटिंग को सेट पर कोरोना संक्रमण फैलने के कारण रोक दिया गया है। रजनीकांत की इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी, मगर खबर सामने आई है कि सेट के 7 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पता चला है कि अनाथे फिल्म की शूटिंग रजनीकांत जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में थे, इसी कारण वे इस फिल्म की शूटिंग लगातार 14 घंटे करते थे। लेकिन अब सेट पर इतने क्रू मेंबर्स के कोरोना संक्रमित होने के बाद शूटिंग को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। जब तक सेट के हालात बेहतर नहीं हो जाते और क्रू मेंबर्स सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक शूटिंग शुरू नहीं की जाएगी। कोरोना को और फैलने से रोका जा सके, इसके लिए सेट के बाकी सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और सावधानी के लिए स्थायी रूप से शूटिंग को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार या गुरुवार को रजनीकांत के वापस चेन्नई लौटने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनाथे फिल्म की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में हो रही थी और 45 दिनों के लिए वहाँ का शेड्यूल लिया गया था। बायोसिक्योर बबल में शूटिंग की जा रही थी। इसके बाद भी कोरोना संक्रमण सेट पर फैल गया और 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो रजनीकांत अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अगले महीने लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि यह अनाथे फिल्म की शूटिंग और अन्य काम के साथ ही अपनी राजनीति की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में वह शूटिंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, क्योंकि शूटिंग के चलते वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनाथे फिल्म की शूटिंग लगभग 40% बची हुई है और वह राजनीति में आने से पहले, अपनी नई पार्टी लॉन्च करने से पहले इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। रजनीकांत को कई सारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं और साथ ही किडनी की भी दिक्कत है, और ऐसे में कोरोना के शुरू होते ही डॉक्टर्स ने उन्हें घर में रहने की सलाह दी थी। लेकिन वह अनाथे फिल्म की शूटिंग 14 घंटे तक कर रहे थे और अब सेट पर कोरोना संक्रमण फैलने के बाद तो उन्हें बहुत ही एहतियात बरतनी होगी और अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा। रजनीकांत की आने वाली फिल्म अनाथे के डायरेक्टर सिरुथाई शिवा हैं और नयनतारा, कीर्ति सुरेश, मीना, खुशबू, प्रकाश राज जैसे कलाकार इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शूटिंग पूरी होने के बाद सन पिक्चर्स 2021 में इसे कभी भी रिलीज कर सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही और इसके साथ ही आपसे विदा लेना चाहूंगी। जल्द ही फिर मिलूंगी किसी और फिल्मी खबर के साथ। बाकी सारी फिल्मी खबरों और चटपटी गपशप की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।